मध्य प्रदेश शासन लिखे वाहन में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर ले जा रहे बदमाश, पुलिस ने 4 घंटे में कर दिया पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। नई आबादी थाना क्षेत्र से अपहरण हुई नाबालिग बच्ची को पुलिस ने 4 घंटे में बरामद कर लिया है। पुलिस ने बालिका को स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले में एक महिला, 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस बोलेरो वाहन से बालिका का अपहरण कर बदमाश ले जा रहे थे, उस वाहन पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था। पुलिस मामले में आरोपितों से पूछताछ कर रही है। नई आबादी थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने बताया कि ग्राम सेठ खेड़ी की नाबालिग बच्ची के पिता ने बालिका के गुम होने की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस टीम ने बच्ची की तलाश प्रारंभ की। संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने आसपास क्षेत्र में तलाश की और सूचना तंत्र को भी सक्रिय किया। ऐसे चला घटनाक्रम। पुलिस को पता चला कि 3 अज्ञात आरोपितों द्वारा बोलेरो वाहन से नाबालिग बच्ची का अपहरण कर ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने बोलेरो की तलाश शुरू की। पुलिस ने बोलेरो की तलाश भी कर ली थी। जब आरोपितों को पता लगा कि पुलिस पीछे लगी है, तो वे इधर से उधर वाहन को दौड़ाते रहे। आखिरकार पुलिस ने पशुपतिनाथ मंदिर नालछा माता रोड से बोलेरो को पकड़ लिया। बोलेरो से पुलिस नाबालिग बच्ची को अभिरक्षा में लेकर थाने लाई। मामले में पुलिस ने बोलेरो वाहन जब्त कर उसमें सवार आरोपितों को गिरफ्तार किया। 21 वर्षीय हर्ष पुत्र राजा वाडिया निवासी इंदौर, 27 वर्षीय राजवीर सिंह पुत्र जीवन सिंह ठाकुर निवासी देवास एवं इंदौर निवासी एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं वरुण तिवारी थाना प्रभारी नई आबादी कोतवाली ने कहा कि घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया गया। नाबालिग बच्ची को सकुशल उसके स्वजनों के सुपुर्द किया गया। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।